सो मैं कर रही हूँ माइक टेस्ट। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं एस प्लैनेट, एंड क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। वीडियो में बने रहे और एंड तक देखें। और ये रही मम्मी आगे जाते हुए फुल ऑन रेडी होके, सन प्रोटेक्शन के लिए ग्लासेस भी लगा लिया है। एंड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही धूप था, टेम्परेचर आई थिंक अराउंड 40-41 था, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा धूप दे रहा था। तो हमने कैब बुक कर लिया एंड वी आर ऑन द वे। सो ये है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 वाले एरिया। सो ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो लेक है इसके चारों तरफ कोकोनट ट्री लगा दिए इन्होंने, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। एंड में कहीं कहीं बैठने का भी स्पेस है, तो अगर आप इवनिंग में जाते हो सिंपली टाइम स्पेंड करने के लिए भी, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून से लगता है। एंड अगर शाम में फिर अगर ठंडी ठंडी हवा भी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार ही ट्राई कर सकते हो। अगर आप कोलकाता से हो तो आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा, ये आउट ऑफ कोलकाता वालों के लिए था। ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और हमने लिया कुछ सेल्फीज़, ये कैब में थोड़ा टाइम पास कर रहे थे, एंड उसके बाद हमने कुछ रील्स बनाए। एंड ये देखो गाइस, ये है ITC रॉयल बंगाल। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल इन कोलकाता, एंड लग्जूरियस है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो होगा ही, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझे यहाँ एक बार ही जाना है। अगर आप चाहते हो मैं यहाँ जाऊँ और व्लॉग बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। एंड ये जो येलो एंड रेड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है साइंस सिटी कोलकाता। एंड नाउ वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो हमें जाना था सिम्फनी, इसके पास ही बाजू। एंड ये रहा सिम्फनी। सो यहाँ पे आप एक बार ही जा सकते हो। अगर आपको कुछ फ़ोन के एक्सेसरीज या कुछ भी गैजेट्स चाहिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, A to Z सामान। एंड मैं बताती हूँ मैं यहाँ किस लिए आई थी। मैं यहाँ लेने आई थी ट्राईपॉड एंड रिंग लाइट। सो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी एक सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड था, तो ये भी सही लगा मुझे। एक फिर एक दूसरा मैंने ट्राई किया, तो ये दूसरा वाला ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, आपको सस्ते में मिल जाएगा। और यहाँ आप देखो पीछे इतने सारे कलेक्शंस हैं इनके, रिकॉर्डिंग्स के, CD DVD, आपको कुछ भी चाहिए सब मिल जाएंगे यहाँ पे। इनका और एक सेक्शन था जो पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉकरीज भी मिलती है। यहाँ आपको एंटीक कलेक्शन भी मिल जाएगा, ये देखो ग्रामोफोन, ये तो अब ज़्यादा कहीं यूज़ भी नहीं होता है। यहाँ आपको पुराने से पुराने और नए से नए सामान सब कुछ, एवरीथिंग यू कैन बाय हियर। ये देखो यहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स इनके हैं, यहाँ रेयर से रेयर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे आपको। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं कर रही हूँ अपना माइक टेस्टिंग। सो ये माइक मैं लेने वाली हूँ, अगर सही से काम किया तो। हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ एस प्लैनेट एंड मैं ये माइक टेस्टिंग कर रही हूँ। अगर ये माइक सही से काम किया तो मैं इसको लेने वाली हूँ। ये है डिजिटेक का माइक, और जैसे कि मैंने इसको टेस्ट किया तो ये सही से चल रहा है, तो आई होप मैं इसको खरीद लूँ। सो ये देखो यहाँ पे एम्पलीफायर स्पीकर भी है, और अंकल कुछ प्ले कर रहे हैं, आई थिंक ये वाइनल से कुछ प्ले कर रहे हैं, तो इनके पास वाइनल रिकॉर्ड्स भी है। मैंने तो ये सब पहली बार देखा, इससे पहले मैंने कहीं देखा नहीं था ये सब। विंटेज ग्रामोफोन है, इतने सारे वाइनल रिकॉर्ड्स। मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने बताया मुझे। फिर एंड ये शॉप के जो ओनर थे वो पीछे बैठे हुए थे, वो पहले रिकॉर्डिंग्स भी करते थे स्टूडियो में, तो उन्होंने जब मुझे व्लॉगिंग करते हुए देखा तो उन्होंने मुझे एक सजेशन भी दिया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो देखो पीछे बैठे हैं इंस्पेक्स। एंड उसके बाद शॉप वाले ने मुझे एक डिटैचेबल रिमोट कंट्रोल वाला सेल्फी स्टिक दिखाया,
तो वही मैं ट्राई कर रही थी कि ये थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस ये काम करता है कि नहीं, तो इट वॉज वर्किंग, तो मुझे ये भी पसंद आया। एंड फाइनली हमने सब कुछ ले लिया और यहाँ पे लंबी चौड़ी बिल आ गई हमारे पास, तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा बार्गेन करवा रही थी, तो फाइनली अंकल ने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया हमें। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था, बिकॉज प्राइसिंग भी आपको सोचना नहीं है, थोड़े बहुत डिस्काउंट्स आपके मिल जाएंगे एंड सामान तो आपको सब कुछ ही मिल जाना है, यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है। एंड ये लेते के साथ हम लोग निकल पड़े थे घर, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था सामान देखते देखते। एंड फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, हमें आई थिंक अराउंड 8 या 9 बज गए थे घर जाते जाते, तो थोड़ा लेट हो गया था और हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो भूख भी लग रही थी, तो जल्दी से फिर हम लोग घर आ गए। सो ये रहा मेरा रिंग लाइट, सो इसका रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।